Welcome, everyone. Welcome to Kanishka Coders. In today's class, what I'm going to teach you is the operations of stack. We have already discussed in my previous videos about push and pop. The last operation, the third operation that we are going to discuss today, is peak. We're going to discuss the peek operation. What do you mean by peak operation is? It will return the top most element. मतलब अगर आपके पास एक stack है उसका top most element अगर आपको कोई return करता है आप स्टैक को ऑल्टर नहीं करते अगर आपके स्टैग के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है चंडीगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास लेट्स मुंबई, uh, ओके okay? तो अगर आपको सिर्फ टॉप आपका हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है इफ यू ओनली वॉन्ट टू रीड इट ओनली रीड इट नो ऑल्टरेशन आप ना ही इसमें एलिमेंट डाल रहे हैं ना ही इसमें से आप कोई एलिमेंट निकाल रहे हैं आप ओनली एंड ओनली क्या कर रहे हैं सिर्फ रीड कर रहे हैं टॉप मोस्ट एलिमेंट को तो उसको पीक कहते हैं आई होप इट इज क्लियर टू यू अब पी का हम लोग करेंगे एल्गोरिदम एल्गोरिदम ठीक है एल्गोरिदम लिखने के लिए सबसे पहले आप पी लिखेंगे जो आपका फंक्शन होगा जो आपका काम करेगा उसके बाद एक स्टैक चाहिए होगा जिसपे हम सारे काम करेंगे और आपको एक टॉप चाहिए वो तो आपको पता ही है एक स्टैक चाहिए स्टैक के अंदर ए डाला बी डाला है और सी डाला है प्लीज यूज डायग्राम और इस स्टैक का नाम एस है अब इफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे हमने पहले लगाई थी इफ टॉप इज इक्वल टू जीरो मतलब कि आपके जो स्टैक के ऊपर कोई एलिमेंट है ही नहीं अभी बिल्कुल खाली स्टैक है आपका ऐसे इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है जीरो एलिमेंट है कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर तो आप क्या लिखेंगे सीधे आप लिखेंगे अंडर फ्लो अंडर फ्लो आप अंडर फ्लो कर जाएंगे और यहां पे क्या कर देंगे रिटर्न आप अंडरफ्लो कर जाएंगे और रिटर्न कर जाएंगे स्टेटमेंट क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं बट ए केस अगर उसके अंदर है तो ऊपर वाला इफ तो चलेगा नहीं नीचे वाला में आ जाएंगे हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट है सपोजिंग यहाँ पे स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट है उसको किस वेरिएबल में डाल लेंगे एक आइटम वेरिएबल में डाल लेंगे जैसे हमने पिछले में किया था बट अब इसके बाद पॉइंटर को नीचे नहीं करेंगे नो no. बिकॉज हमने कुछ डिलीट नहीं करना कुछ भी नहीं करना सिर्फ हमने वो एलिमेंट एक आइटम में डाल दिया उसकी कॉपी डाल ली और उसको लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग रिटर्न कर देंगे आइटम को आई होप इट इज़ वेरी सिंपल कुछ डिलीट नहीं हुआ कुछ रिमूव नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे ये पूछा जाए कि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है आपका स्टैक के अंदर आप ये सिर्फ चेक करना चाहते हैं तो आप कौन सी चीज़ को यूज़ करेंगे यू विल यूज पीक नाउ इट इज़ टाइम फॉर रिविजन लेट अस रिवाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन टॉपिक के अनुसार आपको हमार को हमारे बताना है कि पीक क्या होता है जो कि आपका एक थर्ड ऑपरेशन है इसके अंदर स्टैक के एक ऑपरेशन के अंदर स्टैक आपका हम लोगों ने लिया है उस स्टैक का नाम क्या है एस है उसके तीन एलिमेंट है ए है बी है और सी है और टॉप ऑफ द स्टैक जो जो होता है हमेशा जो है हमेशा पॉइंट करता वो टॉप को करता है तो पीक है उसमें एक एस स्टैक है उसके टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम पॉइंट करते हैं अगर आपका टॉप जीरो है तो आप क्या करेंगे अंडरफ्लो करेंगे मतलब उसमें से और एलिमेंट नहीं निकल सकते हैं और बात खत्म हो होगी आप रिटर्न कर देंगे रिटर्न यू स्टॉपिंग इट एट दैट पॉइंट खत्म हो गया प्रोग्राम इफ में अगर इफ नहीं चला तो मतलब एलिमेंट होगा कोई अगर होगा बिकॉज अगर ये चलता तो तो रिटर्न हो चुका होता ना अब तक तो, तो रिटर्न होकर खत्म हो चुका होता बट मतलब अगर ये नहीं चला तो सेकंड पॉइंट पे आएंगे जो स्टैक का टॉप मतलब कि ये अगर स्टैक है इसका टॉप के अंदर क्या है सी जो सी पड़ा है वो किसमें चला जाएगा आइटम में तो आपके पास जो आइटम वेरिएबल है उसके अंदर क्या आ गया सी आ गया तो आपने बाद में क्या किया रिटर्न कर दिया किसको आइटम को तो फाइनली आपको क्या रिटर्न हो रहा है सी इन दिस वे आप का तीनों के तीनों जो ऑपरेशन एक स्टैक के अंदर होते हैं वो इस वीडियो के बाद खत्म होते हैं आपके पास अगर कभी भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में पूछा जाए ऑपरेशंस ऑफ स्टैक प्लीज पुश पॉप और पीक तीनों ऑपरेशंस को क्लियरली डिफाइन करके आइएगा आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू हैव अ नाइस डे एंड कीप वाचिंग for more videos.